जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। गाइस आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी जो है इवनिंग का टाइम है और मैं जो हूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे हो लोकेशन, आप गेस कर पाओ तो आप देख सकते हो मेरे पीछे बैकग्राउंड जो है काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही होंगी और शायद आप गेस कर पाओ। सो गाइस मैं हूँ अभी इंडिया गेट पे और इंडिया गेट पे मैं जो है यहीं सडनली आया था और मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी क्राउड है एक्चुअली, और जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है। और बढ़ते हैं गाइस आगे की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप पीछे मेरे पीछे देख पा रहे हो तो काफ़ी क्राउड है और ये क्राउड जो है नाइट में यहाँ पे ज़्यादा होता है एक्चुअली। आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे विजिट करते हैं एक्चुअली। और ये यूथ का क्राउड भी दिख रहा हो आपको, यूथ का हर उम्र का क्राउड आपको मिलेगा यहाँ पे। सो गाइस आज की जो मेरा वीडियो है वो ब्लॉग है वो इसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे जो है आपको वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जो एक्टिविटी यहाँ पे होती है इवनिंग के टाइम पे। आप देख पा रहे हो तो सब लोग जो है वो बिजी है अपने अपने पिक लेने में, सेल्फी लेने में और भी एक्टिविटी जो हो रही है यहाँ पे। सो गाइस बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक ताकि आपको जो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखा पाऊँ और आपको समझ में आ सके। तो गाइस ये देख लीजिएगा, क्राउड इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, आज के दिन पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। अक्सर वैसे नाइट में होता है यहाँ पे, इवनिंग टाइम पे नाइट में काफ़ी देर तक नाइट में काफ़ी क्राउड होता है यहाँ पे, इतना नहीं होता जितना आज है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो तो इंडिया गेट काफ़ी खूबसूरत नज़ारा विद ट्री कलर के साथ, देश का तिरंगा हमारा वो बिल्कुल। इस तरह की एक्टिविटी भी यहाँ पे होती रहती है एक्चुअली। ये इस्कॉन टेम्पल की तरफ से हैं ये सब, एक अच्छा काम कर रहे हैं सब जो है, जितने भी यहाँ पे एक्टिविटी ये कर रहे हैं, अब वो बचन से लेके और इसके अलावा इनकी जो बुक्स हैं शॉर्ट बुक और लॉन्ग बुक, दोनों बुक जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जो है उसका भी जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गीता सार का हो गया और भी एक दो बुक मैंने भी इनसे लिए। ये काम हमें करना चाहिए था, ये सब विदेशी लोग कर रहे हैं, बाहर के लोग कर रहे हैं और अच्छी एक्टिविटी के साथ कर रहे हैं। तो एक्सेस करके जो है ये बताते हैं उसके बारे में और लेते भी और लेना भी चाहिए। गाइस ये क्राउड आप देख पा रहे हो तो काफ़ी अच्छा क्राउड है आज जो है यहाँ पे। ओवरव्यू की बात करूँ तो इंडिया गेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे अभी नाइट के टाइम पे। इंडिया गेट की काफ़ी मेरे जो है प्रीवियस वीडियो भी अवेलेबल है लेकिन अलग अलग नज़ारा जो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो विजिबिलिटी वो आपको ओवरव्यू जो है मैं हर तरह का ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यही मेरी कोशिश रहती है एक्चुअली कि जो कभी विजिट ना कर पाए वो नाइट में, तो वो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ का नज़ारा जो है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों इंडिया गेट के दाएं और बाएं तरफ दोनों जो है वाटर बोट्स हैं, यहाँ पर भी क्राउड आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर भी जो है काफ़ी लोग जो है वो इकट्ठा है अभी क्राउड। ये है वो फुवारा टाइप का एक बना रखा जो बीच में, ये दोनों साइड में है दाएं और बाएं तरफ, ये आप देख पा रहे हो तो काफ़ी दूर में है, दूरी पे है थोड़ा इंडिया गेट की। अभी मैं दाएं तरफ हूँ और बढ़ते आगे की तरफ, ये फुवारा आपको दिखा होगा, दिन में भी दिखता होगा, दिन में भी देखा होगा कभी आपने जो है। और ये काफ़ी खूबसूरत जो है अभी ट्री कलर में जो दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर नाइट में ज़्यादा वैसे ज़्यादा मज़ा आता है नाइट बोले तो, इवनिंग टाइम पे ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे, 7 से लेके 10 बजे 11 बजे तक का क्राउड काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा भी होता है और एक खुलापन महसूस होता है यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए और थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। या हमारे सेना के जवान तैनात हैं यहाँ पे, 24/7 इनकी जो सर्विस है वो अवेलेबल है यहाँ पे। ये बेचारे जो है वो रात और दिन की ड्यूटी है इनकी यहाँ पे। बस चलते हैं आगे की तरफ और मैं फ्रंट की तरफ एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। फ्रंट की तरफ से जो एक क्राउड इधर की तरफ आ रहा है,
बाएं और दाएं तरफ। तो अभी मैं दाएं तरफ था और देन मैं फ्रंट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स जहाँ से दिख रहा होगा आपको क्राउड इधर की तरफ आता हुआ, तो यहाँ पे भी वही नज़ारा है। मीन्स सब लोग बिजी हैं अपने आप को कैप्चर करने के लिए, अपने आप को जो है एक अनुभूति में ढालने के लिए। और होना भी चाहिए क्योंकि ये यादगार चीज़ें जो है वो एक हिस्ट्री में तब्दील हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। इवनिंग टाइम पे क्राउड का एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर लोग फ्री हो जाते हैं, मीन्स जो ऑफिस वर्क जो होता है इनका, ऑफिस वर्क से जो है वो फ्री होने के बाद अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे जो है इंजॉय करना तो बनता ही है। इसीलिए क्राउड आता हुआ दिख रहा होगा आपको, अभी आता हुआ है, सब लोग आ ही रहे हैं इधर की तरफ। फ्रंट से मैं जा रहा हूँ दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये फ्रंट है। फ्रंट से मैं दाहिनी तरफ जाऊँगा अभी, और यहाँ पे भी क्राउड आप देख पा रहे हो तो मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आज ऐसा क्राउड कभी कभी होता है यहाँ पे, हर दिन होता तो है लेकिन इतना नहीं होता जितना कि आज है। और रीज़न वही है, ज़्यादातर लोग जो है इवनिंग में आने का जो है वो रीज़न यही है कि ज़्यादातर लोग फैमिली के साथ छोटे छोटे बच्चों के लेके भी आए हैं यहाँ पे। और ये होना भी चाहिए, फैमिली को भी तो टाइम देना चाहिए, काम तो जो है वो चलता रहेगा और हर समय होता ही है। टाइम फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इस तरह की एक्टिविटी अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये सही पार्ट है लाइफ का। ज़िंदगी ऐसी चलेगी क्योंकि ज़िंदगी जो है वो काटनी नहीं है, इंजॉय करके जीनी है। सो गाइस आज की एक्टिविटी मेरी यहीं तक की थी, और अब टाइम हो चुका है यहाँ से विदाई का, जाने का टाइम हो चुका है। जाते हुए क्राउड आपको दिख रहा होगा, आते हुए जाते हुए ये अंडरपास से, तो अभी टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का। और चलते चलते अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और ये एक नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत बनाया है, जितने शहीद हुए हैं और जो एक्टिविटी होती है यहाँ पे इंडिया गेट पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सो गाइस आगे का जो ब्लॉग होगा मेरा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एक्टिविटी चलनी है 26 जनवरी की, जिसमें इन्वॉल्व है हमारी तीनों सेनाओं और पैरामिलिट्री, तो उन सब की एक्टिविटी दिखाऊँगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट।